हेलो एंड वेलकम नमस्कार मैं परंजय गुहा ठाकुरता आप सबको मैं न्यूज क्लिक में स्वागत कर रहा हूँ आज चर्चा के चर्चा का विषय है ये ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स हॉटस्टार डिज्नी हॉटस्टार और भी बहुत सारे हैं ऐसे ओ टी टी प्लेटफॉर्म सरकार इसके ऊपर एक तरह से सेंसरशिप लाने चाह रहे एक तरह से प्रबंधन चाह रहे और कानून क्या कहते हैं और सरकार क्या कह रहे हैं और साथ साथ जो हमारे नागरिक समाज है और जो दक्षिण पंथी लोग हैं उनका क्या राय है इस सारे विषय के ऊपर कानून क्या कहते हैं और समाज क्या और समाज का एक हिस्सा क्या कहते हैं आज मेरा सामने आज मेरा साथ ही न्यूज के दफ्तर में आपार गुप्ता है वकील साहब हैं और पब्लिक पॉलिसी के ऊपर आप आजकल बहुत काम कर रहे हैं तो धन्यवाद अपार जी आपने आए हैं आप जरा पहले सरल भाषा में हमारा दर्शक के लिए समझा दीजिए ये जो दो साल पहले एक नियम कह सकते हैं आया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स दो हज़ार इक्कीस टेक्नोलॉजी सूचना प्रयुक्ति की इंटरमीडिएट जो बिचौली है इनके लिए कोई नियम है अधिनियम है और इनके लिए क्या कोड है क्या इनके नीति क्या होना चाहिए क्या नियम होना चाहिए ये जरा सरल भाषा में आप समझा दीजिए देखिए साल 2000 में एक कानून बना था जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसमें एक आ, नियम है सेक्शन सेवेंटी नाइन जिसमें कहा जाता है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेटवर्क ऑपरेटर वो सारे इंटरमीड्री होते हैं मतलब वो हमें इंफॉर्मेशन uh, से जोड़ते हैं वो वो इन्फॉर्मेशन बनाते नहीं हैं मतलब वो पत्रकारिता नहीं करते वो uh, सिर्फ एक यूज़र को uh, एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म देते हैं जिस तरीके से वो अपना स्मार्टफोन की तरह कोई uh, कोई भी चीज़ लिख सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है तो इसमें ये नियम भारत में ही नहीं है पूरे सारे देशों में है कि ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं इन पे कोई आ, कानूनी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए उन चीजों के लिए जो इनके प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जाता है क्योंकि ये सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ये वो चीज़ बना नहीं रहे मतलब वो वीडियो ऑडियो टेक्स्ट तो नहीं बना मतलब जिम्मेदार है <laughs> Netflix, Amazon Prime, Star, Netflix, Netflix और Amazon प्राइम थोड़े अलग हो जाते हैं इससे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ मैं जो 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 कैटेगरी में समझाना चाह रहा हूँ एंजॉय वो है फेसबुक की इंस्टाग्राम की जो जिसपे हम जैसे लोग कुछ भी अपनी तरीके से Pictures. लिख सकते हैं पर एक दूसरी कैटेगरी भी है जो आप बोल रहे हैं जो क्यूरेटेड ऑनलाइन कंटेंट होता है जिसको लोग ज्यादातर आजकल देखने लगे हैं मतलब स्मार्ट टीवी खरीदते हैं ज्यादातर लोग दिवाली में बहुत लोगों ने खरीदे होंगे उसमें क्या होता है वो सीधे आपके वाईफाई से जुड़ जाता है और बहुत लोग तो केबल कनेक्शन भी नहीं लेते वो सीधे उसके ऊपर अमेजन प्राइम या ओ सीरीज देखते हैं मतलब एक के बाद एक और ज़्यादातर लोगों ने जो ज़्यादातर शहरों में जो लोग हैं उन्होंने देखना बंद कर दिया ये एक और इसके साथ जुड़ी हुई एक नई चीज़ हुई है जब भारत में करीबन 850 मिलियन इंटरनेट कनेक्शन हो गए हैं और दिल्ली जैसी एक स्थान में तो तीन कनेक्शन होते हैं एक आदमी के पास कभी कभी तो ज़्यादातर लोग अपना सारा न्यूज़ विचार कल्चर ही नहीं मतलब मूवी ऑडियो ही नहीं मतलब पर अपना डे टू डे इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से नहीं लेते आजकल यूट्यूब से लेते हैं यूट्यूब इनफैक्ट या या ट्विटर टेली कनेक्टिविटी इससे कोई ना कोई नीतियां तो बननी चाहिए पर जो नीतियां सरकार बना रही है और मैं एक एक करके दिखाऊंगा वो अच्छा ये, ये, ये आप, आप आपके और मेरे हित में नहीं बना रही मतलब चलो हम दोनों तो लोग बोलेंगे आप पत्रकार और मैं वकील हमारे तो हित में होने ही नहीं चाहिए मैं कहूंगा जो जो आप दर्शक देख रहे हैं आपके हित में नहीं बना रही वो अपने हित में बना रही है अच्छा अपार हमारे जो मंत्री है हाँ जी सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हाँ जी, जी हाँ जी उन्होंने लगातार कुछ ना कुछ कह रहे और कह रहे कि ये जो दिखा रहे है, ये ये है। हैं ये ओ टी टी प्लेटफॉर्म वालों अश्लील है जी ये दिस ये, इज़ और ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है तो इसके ऊपर कुछ अंकुश लगाना पड़ेगा एक उन्होंने कहा एब्यूसिव लैंग्वेज इन द नेम ऑफ क्रिएटिविटी विल नॉट बी टॉलोरेटेड मतलब हम इनके ऊपर सहनशील नहीं होंगे एक तरह से इसके ऊपर अंकुश लगाना ही पड़ेगा अभी भी उन्होंने और भी और कुछ कहा गोवा में जब जहाँ पे फिल्म फेस्टिवल चल रहे हैं वहाँ पे भी अनुराग ठाकुर जी कहा तो आप क्या समझते हैं देखिए गोवा में तो उन्होंने बिल्कुल अलग बात बोली है उन्होंने कहा है कि भारत में एक ऐसा नया ऑपरचुनिटी मिल गई है क्रिएटिव आर्टिस्ट को पर आप देखिए वॉशिंगटन पोस्ट में कितना अच्छा रिपोर्टेड डीपली रिपोर्टेड आया है कि OTT पे आजकल मूवी नहीं बन पा रही जैसे एक नॉवल्टन अनुरागराग कश्यप सॉरी अनुराग ठाकुर मंत्री हाँ हाँ तो पर मैं इससे थोड़ा पीछे पहले जानना चाहता हूँ मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि जो आईटी रूल्स 2021 बने उस पर दो आ, उच, आ, उच्च न्यायालयों ने स्टे ऑर्डर पास किए उन्होंने कहा कि आप जो ये प्रतिबंध डाल रहे हैं ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों क्या, वो वो क्या हो सकते है, हैं है, उसमें बोला तीन टियर है हाँ जी। पहले जो शिकायत कर रहे खुद अपने आप को सेंसर कीजिए हाँ दूसरी बात है आपका एसोसिएशन है जैसे वहीं पर आप शिकायत ले जाएंगे आप फिर भी समाधान नहीं होगा शिकायत का हाँ। तो सरकार उसमें आ जाएगा एक समिति है पर सरकार फिर भी अगर कोई उनको शिकायत भी नहीं करे तब भी सुओ मोटो वो जाग सकती है अच्छा देखिए अब आप, आप, आपकी मैं, मैंने जब ये बता दिया जिसपे स्टे ऑर्डर लग गया उसके बाद क्या किया है? सरकार ने सरकार ने कुछ महीने बाद बोला एक फैक्ट चेकिंग अमेंडमेंट बनाई आईटी रूल में जिन्होंने उन्होंने बोला जैसे आप जैसे पत्रकार हैं न्यूज़ क्लिक जैसा चैनल है अभिसार का शो है उन्होंने कहा आप जब भी या अर्फा का शो है वायर पे जब भी आप कभी कमेंट करेंगे सरकार की किसी भी नीति के ऊपर तो सरकार बता सकती है वो ट्रू है या फॉल्स है और फैक्ट चेक कर सकती है और जैसी वो फैक्ट चेक करेगी उसको यूट्यूब को उतारना पड़ेगा उस वीडियो को और वो भी जो नियम बनाया वो स्टे ऑर्डर टाइप हो गया फ्रॉम द बॉम्बे हाईकोर्ट जिसका नतीजा मेरे हिसाब से दो तीन हफ्ते में आ जाएगा अब उसके बाद ये ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल बनाया है जिसमें आप ये संदर्भ में बोल रहे हैं कि अनुराग ठाकुर कह रहा है कि बहुत अश्लीलता और गलत तरीके की लैंग्वेज फैल गई है मतलब गाली गलोच होने लगा है ओटीटी पे और ये तो होना ही नहीं चाहिए भारतीय समाज में तो होता ही नहीं है सबसे पहली चीज लोगों को यह समझना चाहिए आप चलो आप कहेंगे दिल्ली में तो सभी गाली गलोच से बात करते हैं आप देखिए गाली क्या गाली से बात करना क्या हमारी भाषा का एक हिस्सा नहीं है और मैं लोगों को इस पर विचार करने के लिए इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि आप समझिए कि अगर आपको सरकार यह बताएगी कि कौन से शब्द सही हैं और कौन से शब्द गलत हैं अबार एक बार मैं रोकना चाहता हूं हाँ अगर आप बड़े स्क्रीन में एक सिनेमा हॉल में जाएंगे हाँ? तो उसमें लिखा हुआ है यू यानी कि जो मर्जी आप छोटा बच्चा हाँ? से बुजुर्ग व्यक्ति जा सकते हाँ? यू ए इसका मतलब है अगर आपका उम्र अठारह से कम है या हाँ? सत्रह से कम है तो आपके साथ आपका माँ या पिता जाना पड़ेगा हाँ? और एक और कैटेगरी है ए, ए हाँ? मतलब ये सिर्फ बच्चों के लिए है ही नहीं हमारे सेंसर बोर्ड में और भी कैटेगरी कैटेगरी है जैसे मेडिकल के लिए रिस्ट्रिक्टेड व्यूइंग मगर ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर कोई कैटेगरी नहीं है। नहीं नहीं आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप नेटफ्लिक्स एमेज़ोन प्राइम खोलिए वो ख़ुद बताते हैं कि शो के अंदर क्या क्या वो दिखाने वाले हैं वो कहते हैं मे कंटेन सेंसिटिव सब्जेक्ट्स मे कंटेन न्यूडिटी तो मतलब आप अगर मैं अगर, अगर अपने माता पिता के साथ बैठा हूँ और मैं जानता हूँ कि इसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें दिखाई जाएंगी जिससे मुझे थोड़ा मतलब संकोच हो जाए अपने मम्मी पापा के साथ बैठने में मैं नहीं लगाऊंगा और देखिए सिनेमा और टीवी की तुलना इंटरनेट से करना बिल्कुल अलग और बिल्कुल गलत बात है ओ टी टी प्लेटफॉर्म करीबन मेरे हिसाब से साठ साठ से अस्सी होंगे उनकी कैटलॉगें ऑन डिमांड है आप जो भी देखना चाहे देख सकते हैं टैब बंद कर सकते हैं स्वाइप कर सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं चैनल तो पहले ही एक तरीके से सोच के आते हैं कि आपको क्या दिखाना है प्राइम टाइम जो न्यूज़ होती है या आपको मूवी दिखानी है वो आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है पर सिर्फ आप करीबन अस्सी नब्बे चैनल ही तो फ्लिप करते हैं अच्छा और दूसरी बात जो सिनेमा की बात कर रहे हैं सिनेमा में भी तो ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लेक्स में आपको मूवियों की ऑफर होते हैं ओटीटी में तो आपके पास कम से कम छह हजार होगी अच्छा अपार एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ ठीक है हमने कहा कि अश्लील भाषा अश्लील भाषा क्या है अच्छा है? एक मिनट पनौती है क्या अश्लील भाषा <laughs> नहीं मैं 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 ये मजाक नहीं कर रहा नहीं, मैं आप बो, आपने बात नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कुछ लोग जो सरकार में है, उनके हिसाब से पनौती एक सही शब्द नहीं है जब वो प्रधानमंत्री के संदर्भ में बोला जाता और निर्वाचन आयोग के पास इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल, पर अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं और फिर से मैं उनका नाम ले रहा हूं क्योंकि अभिसार ने एक्चुअली इसमें शो किया उन्होंने बताया लोगों को कि क्यों बोला गया क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी जी गए तो उस संदर्भ में देखना पड़ेगा हमें बिल्कुल अच्छा और देखिए अगर सरकार यह तय करेगी ब्रॉडकास्टिंग बिल के अंडर सबसे पहले उस क्रिएटर को रजिस्टर करना पड़ेगा टेक डाउन पावर्स होंगी तो मैं बोल रहा हूं गालियां ही नहीं सही भाषा क्या है और गलत भाषा क्या है वो तो हम तय करेंगे ना अपने घरों में या सरकार तय करेगी चलिए एक विषय से थोड़ा आगे जाइए और हाँ। हमने अश्लील भाषा अश्लील कोई जैसे महिला को एकदम नंगा दिखा रहे ये सब थोड़ा आगे जाइए जो हिंसा है। हाँ। आप खून खराबी दिखा रहे हैं लोगों को मार रहे हैं लोगों को एकदम खोपड़ी फैल रहे हैं हमने देखा है ऐसे ऐसे हाँ। फिल्म्स हाँ। और आश्चर्य हो गया मैंने मैंने जैसे देख रहा है कुछ कुछ फिल्म्स में जैसे एक फिल्म है मिर्जापुर इसके ऊपर कुछ अंकुश लगाना नहीं चाहिए या नहीं चाहिए एक छोटा बच्चा समझता है कि आ, न, आ, आ, आप समझते हैं कि ये टोमेटो कैचअप है मगर एक छोटा बच्चा तो नहीं समझेगा समाज की बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सेंसरशिप और नहीं दिखाने से नहीं सही तरीके से आगे बढ़ती बहुत सारी चीज़ें बच्चों को नहीं देखनी चाहिए पर उन्हें ऐसे ये देखने में मिलती हैं बहुत बारी तो इसमें टीचर्स की पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है क्या? पर पर एक चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं जब आप सेंसरशिप का सिस्टम लाते हैं जब आप बच्चों से कुछ छुपाना चाहते हैं ज्यादातर इंटरनेट के संदर्भ में और मैं एक उदाहरण लूंगा जो जिससे आई होप थोड़ा है पर लोग इसके बारे में थोड़ा सोचे जैसे पोर्नोग्राफी पौन, पोर्नोग्राफी जो है आज की डेट पे भारतीय स्कूलों में सही तरीके से सेक्सुअल एजुकेशन नहीं दी जाती नहीं बताया जाता क्योंकि हमारी हमारे समाज में एक ऐसा वो है भय है कि अगर हम बच्चों को इसके बारे में बताएंगे वो एक छोटी आयु से ऐसे काम करने लग जाएंगे बगर, दूसरी बात बगर, है वो स, वो जिम्मेदारी से नहीं करेंगे पर देखिए अब आपने इंटरनेट दे दिया अगर आप ओ टी टी प्लेटफॉर्मों पर भी ये सारे शो बंद कर दे, जिसके अंदर अगर मिर्जापुर में कुछ ऐसा सीन दिखाया गया जो उन्होंने देख लिया इधर या उधर से वो व्हाट्सएप से नहीं देख लेंगे कोई वेबसाइट नहीं जान लेंगे अच्छा चलिए अब सबसे विवादित जो बात है यह है राजनीति हाँ जी और धर्म हाँ क्यों आज हम जानते हैं हमारे जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी का सरकार है जो न, नरेंद्र मोदी जी का सरकार है ये हिंदू राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं और देखिए आज कोई भी टिप्पणी करे कोई भी आलोचना करे देशद्रोही बन जाता है आप जॉन ओलिवर, वो नरेंद्र मोदी का खिलाफ कुछ कह देते हैं लोग बोलते हैं इसे बंद करो एक फिल्म है एक प्रोग्राम है सूटेबल बॉय वहां में देख रहे हैं कि एक हिंदू महिला एक मुसलमान उनका प्रेमी है उनके साथ चुंबन कर रहे हैं है? ये भी तो बोल रहे हैं। तांडव, क्या हुआ आप जानते हैं बोला भारत भर भारत भारतीय भारत समाज का भा, हिंदू धर्म का एक भगवान को आपने अपमान किया उसके बाद क्या हुआ ये जो प्राइम वीडियो वाले वो डरे हुए हैं इन लोग को ऊपर केस के ऊपर केस लगा उसको घर से भागना पड़ा और ये सारे जो प्लेटफॉर्म हैं इनके विदेश में हैं इनकी जो हेडक्वार्टर है इन भी इन डर गया तो डरने के बाद सेक्रेट गेम्स भी बात है अनुराग कश्यप का जो एक फिल्म है मिलेम सिटी वो भी बोला हम नहीं दिखाएंगे उसको ठेका मिलने के बाद तो एक तरह से दो चीज़ हो रहे ये विदेशी संस्था सेंसरशिप कर रहे हैं अपने आप को हाँ। और साथ साथ जो प्रेशर आ रहे जो दबाव आ रहे जो दक्षिण सिर्फ सरकार नहीं उनका जो समर्थक है ये एक अद्भुत माहौल आज भारतवर्ष में तैयार कर दिया तो परंजो आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं क्योंकि ये एक राजनीतिक खेल ही नहीं है ये एक ज्यादा बड़ा अटेम्प्ट जिसके अंदर न्यूज मीडिया एंटरटेनमेंट दोनों एक तरीके से भारतीय समाज जो है जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रांतों से लोग जुड़े हुए हैं डिफरेंट रीजन डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट स्टेशन इन अंडर द कास्ट सिस्टम अनफॉर्चुनेटली एंड डिफरेंट सोशल बिलीव्स दे आर बींग होमोजनाइज मतलब उन्हें एक नज़रिए से देखा जा रहा है एक वैल्यू सिस्टम से देखा जा रहा है जिसे बोला जा रहा है वो सनातन धर्म है और ये जो सारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है पर हमें इसे देखना चाहिए एक हिस्सा है ये संघ परिवार के अंदर जिसके अंदर अब आप टेंजिबली बोलेंगे अपार आप क्या बोल रहे हैं इससे इससे क्या लेना है मैं बस ये जाके बोलूंगा कि आप अगर आ, आप अगर सर्च करें आ, आ, बजरंग दल आर और आप उसके साइड में डालिए ओ टी प्लेटफॉर्म गूगल में डालिए खुद आप देखेंगे कि कितने बयान दिए गए हैं जिनमें वो बोल रहे हैं बार बार यह बोल रहे हैं कि हमारी जो भारतीय समृद्धि है, है। देखिए भारतीय तो केरल तमिलनाडु कर्नाटका भी तो होएगा या बस यूपी और दिल्ली होगा पंजाब का क्या होगा आप खुद सोचिए ना लोग तो भारत में अलग अलग हिस्सों से आए हैं वो अलग अलग चीजें देखना चाहेंगे अलग अलग भाषाओं में और उनके अलग अलग सोचने के तरीके होंगे और मैं एक हिंदू की तरह बोल रहा हूँ एक आर्य समाज की जो फैमिली है उससे बोल रहा हूँ जो ये नजरिए से देख रहे हैं ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है तो जैसे इन्होंने अपनी पिछली सरकारों में बीजेपी में एजुकेशन डिपार्टमेंट इम्पोजिशन ऑफ हिंदी जो लार्जर प्रोजेक्ट था अब ये सोचते हैं क्योंकि सबके हाथ में एक स्मार्टफोन है और जो रूरल रीजन भी हैं जो सारा डेटा आ रहा है जैसे नीलसन की रिपोर्ट है उसमें कम से कम 85 मिलियन पीपल आर को व्यूइंग यूट्यूब तो वो चाहते हैं ये सारा कंट्रोल हो वो नहीं चाहते हैं कि लोगों का दिमाग खुले वो नई चीजें जाने और उसके जानने के बेसिस पे वो ये क्वेश्चन मार्क कर पाए कि ऐसा देश क्यों चल रहा है अनुराग सिंह ठाकुर जी उन्होंने खुद बयान दिया है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जिनमें वृंदा कराट जो एक ऑपोजिशन लीडर हैं वो कह रही हैं वो हेट स्पीच है और उन्होंने एक रैली में जाके एक पद पे चढ़ के ये बोला आ? कि देश, देश के गद्दारों को और, और जनता ने और कहा हाँ बिल्कुल विच इज अ फॉर्म ऑफ हेट स्पीच आग्यू बट अब देखिए इस संदर्भ में उन्होंने ये बिल में क्या बोला है अब कोई भी बिल देख लीजिए आजकल जो आ रहा है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जाइए खुद वेबसाइट पे जाके एक बारी क्लिक करिए कोई भी बिल है उसकी पहली पंक्ति में पहली सेंटेंस में प्रधानमंत्री को रेफरेंस होएगा क्यों क्या वो बना रहे हैं सारे बिल ये सोचने की बिल्कुल जरूरत है आप जब बस अड्डे रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट कहीं भी जाएं आपको सब जगह एक व्यक्ति का चेहरा क्यों दिख रहा है कोविड का आपका सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में में, क्यों, में? क्यों, क्यों, दिख रहा है और उस प्रेस रिलीज रखा है इन द ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल दैट दिस इज टू अचीव एज दाइन बाई द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आप समझ लीजिए उन्हें कुछ चीजें पसंद है और कुछ चीजें नहीं पसंद है अपार एक और विषय के ऊपर मैं थोड़ा बहुत बात करना चाहता हूँ और ये जो विदेश से आते हैं जो बहुराष्ट्रीय जो प्लेटफॉर्म है हाँ जी जी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है ये बहुत बड़ा पैसा का खेल है हाँ जी अल, अलग 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 अनुमान किया मगर एक रिपोर्ट भी आया है सी आई आई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप उसमें कहा कि ये अभी इस वक्त इस वक्त तो मगर ये 2030 हजार तीस पाँच छः साल के बाद एक लाख करोड़ का बिजनेस बन जाएगा हाँ, बिल्कुल। और हर साल बीस फीसदी बढ़ रहे हैं बोला हाँ जी। बोला 2.6 बिलियन इसका मतलब है 2.6 बिलियन अगर देखेंगे ये अगर अस्सी से अगर आप द, द, करेंगे बहुत बड़ा एक बिजनेस है हाँ जी। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये जो सरकार के साथ जाएंगे उसको फायदा मिलेगा और जो सरकार के खिलाफ कुछ कहेंगे अनुराग कश्यप जी छापा लग जाता है ईडी आयकर विभाग उनको बोलते हैं आपने गैरकानूनी काम किया आपने टैक्स का टैक्स ठीक तरह से नहीं दिया तो साथ साथ ये जो जो हमारे जो एजेंसीज है ईडी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ सरकार का जो राजनीतिक जो जो विरुद्ध कर रहे हैं राजनीतिक उनके ऊपर से वीडी का दुरुपयोग हो नहीं हमारे फिल्म फिल्म के डायरेक्टर्स के ऊपर भी हो रहे हैं देखिए ये जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल है इसके अंदर जो जो विषयों के बारे में बात की जा रही है वो ज़्यादातर पहले तो केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट जो 1995 में बना था पहले ऑर्डिनेंस बनी थी उसी को एक नए तरीके में ढाल शेप करके इंटरनेट पर लागू किया जा रहा है उसका दायरा बढ़ा के उसके अंदर ऑनलाइन न्यूज मीडिया जैसे न्यूज़ क्लिक का चैनल है या इंडिपेंडेंट क्रिएटर जैसे रवीश का चैनल है उसको भी इसके दायरे में डाला जा रहा है वही प्रोग्राम कोड और एडवर्टाइजिंग कोड का रेफरेंस है और केंद्र सरकार के पास बिल्कुल वेक पावर्स है इसे डिफाइन करने के लिए और इस बिल के द्वारा एक बहुत मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन से हमें दूर किया जा रहा है विच इज ऑन मीडिया ओनरशिप क्रॉस ओनरशिप मालिकाना कौन है मालिक कौन है पैसे कहाँ से बनते हैं और क्या इंटरेस्ट है वो होता? आप जानते हैं आज भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति जो है दो व्यक्ति का नाम कर रहा हूँ श्री मुकेश अंबानी और श्री गौतम अडानी वो सबसे बड़े मीडिया संस्था का मालिक है। और लोग जो समझते हैं वो पनंजॉय ये समझते हैं कि वो सिर्फ पत्रकारिता से जुड़े हैं नहीं क्योंकि उसमें मुनाफा भी है पैसे भी बन रहे हैं डायरेक्टली वो एंटरटेनमेंट में भी है और इसको एक टाइप ऑफ बोलते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जिससे मुनाफा बढ़ता जाता है जब आपके पास नेटवर्क भी होता है जब आपके पास मीडियम भी होता है जब आपके डिवाइस पे भी ओनरशिप होती है और आप प्रोग्राम भी बनाते हैं आप अपनी चीज़ सही तरीके से दूसरे को दिखा पाते हैं और जो छोटे व्यक्ति होते हैं जो कुछ भी बनाना चाहते हैं उनको ये लाभ नहीं मिलता तो जो मुश्किल तो, तो ये क्रॉस ओनरशिप इन मीडिया जो है ये प्रश्न चली, है जिससे हम अब बच रहे हैं क्योंकि अब सरकार ने जो हमारे सामने डाला है उससे हम सब वही है जो सब सारी चीजों में हो रहा है ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि इसका क्या किया जाए ये तो इतना बुरा प्रस्ताव है तो हमारी सारी एनर्जी सारा अटेंशन इन चीजों में लग जाता है दो विषय के ऊपर मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ वक्त कम है हमारे हाँ पास।, हाँ पास हमारे देश में जो नया जो जुडिशरी है हाँ जो अदालत है हाँ वो कि आपने जैसे बोला सरकार के साथ हर समय नहीं जाते हैं हाँ जी। मगर ये जो नया नियम लाए हैं नया रूल्स लाए हैं जो नया अधिनियम लाए हैं इसके ऊपर ठीक है लोग अदालत जाएंगे

कोई भी भय नहीं हो आप फिर भी वो काम वैसे नहीं कर पाते और उतनी तेजी से नहीं कर पाते उतनी करज से नहीं कर पाते आपका ज्यादातर समय फिर लगता है वकीलों और कोर्ट कचहरी में ज़्यादातर मतलब और दूसरी बात इसके अंदर एक और चीज़ है जो ये रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं सेल्फ सेंसरशिप का उसके अंदर जो सर्टिफिकेशन कमिटी है उसमें जो भी व्यक्ति बैठेंगे मतलब ब्रॉडकास्टर को खुद ही सर्टिफाई करना पड़ेगा उसे एक कमिटी बनानी पड़ेगी और उसे ये देखना पड़ेगा जो प्रोग्राम वो बनाने वाले हैं वो सही है या नहीं उस कमिटी के मेंबर के नाम ज्यादा से ज्यादा सरकारी अफसर है नहीं 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 ये कमिटी ब्रॉडकास्टर खुद बना रहे पब्लिक किए जाएंगे तो मतलब आपका नाम इंटरनेट पर होगा इंडिविजुअल कमिटी मेंबर्स का क्या होगा उससे इसका माने और मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी शो सर्टिफाई कर दिया जिसमें कोई भी ऐसी चीज दिखाई गई जो जिससे कुछ भी किसी को भी बुरा लग जाए ज्यादातर ऑर्गेनाइज ऑनलाइन ट्रोल पहुंच जाएंगे हाँ बिल्कुल क्यों नहीं पहुंचेंगे? सिर्फ ट्रोल क्यों आपके घर पहुंच जाएंगे बोला आप सरकार के खिलाफ है आप हिंदू धर्म के खिलाफ या क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर देंगे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं पर इससे पूरा एक भय का पूरा एटमोस्फेयर क्रिएट हो रहा है इट्स एनवायरमेंट ऑफ फियर दूसरी चीज़ इसके अंदर ये भी आपको माननी पड़ेगी कि जब आप देखें ये पूरा कानून ये प्रस्ताव जो आया कानून के अंदर इसके अंदर सारी चीज़ें वही हैं थ्री स्ट्राइक रूल मतलब अगर तीन या चार बारी को, दो या तीन आ, तीन बारी कोई भी आ, प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया तो आपका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस सब कैंसिल हो जाएगा सरकार के पास बहुत पावर है आखिरी सवाल अपार आपने कहा एक भय का माहौल है आप आम दर्शक जो है जो आम नागरिक है क्या सलाह देंगे मैं आम नागरिक और आम दर्शकों को यही सलाह दूंगा कि यह जो प्रस्ताव है आप अब इस पर लेख निकलने वाले हैं बहुत सारे अभी मेरे हिसाब से दो तीन महीने में एकदम से तो ये आ, कानून बनेगा नहीं दूसरा जैसे ये शो है और भी शो होंगे आप उसको थोड़ी गहराई से सुनिए और फिर जाके केंद्र मंत्री से प्रश्न पूछिए कि वो जो बोल रहे हैं वो किस आधार पे बोल रहे हैं कानून का कौन सा स्पेसिफिक रूल सेक्शन वो कोट कर रहे हैं क्योंकि लोगों को बहुत बारी लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते परंजॉय दे फील अ सेंस ऑफ होपलेसनेस पर मैं, आपका कहना है कर सकते हैं मे, मेरा बस एक ही कहना है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए कानून खुला है पर मेरे हिसाब से आप अगर सबिशंस भेजेंगे मिनिस्ट्री को उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला जो लोग जिनमें थोड़ा सा भी अगर समय हो उन पर एनर्जी इंक्लेनेशन हो उन्हें प्रश्न पूछने चाहिए आज की डेट पे प्रश्न पूछना सबसे इंपॉर्टेंट संवैधानिक ड्यूटी बन गई है इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी थैंक यू सो मच अपार आप जो कह रहे हैं आप जो सलाह दिया हमारे जो दर्शक हैं मेरा उम्मीद है कि आपका बात सुन रहे हैं एक जागरूकता का बहुत जरूरी है आज जैसे भय का एक माहौल आए हैं आप आम दर्शक आम नागरिक आपको सोचना चाहिए ये जो नया कानून आ रहे नया नियम बन रहे ये आपका हित में है या सरकार का हित में है यह सिर्फ अश्लीलता को बाहर निकलने के लिए है नहीं इसके पीछे और भी बड़े बड़े सामाजिक और राजनीतिक कारण होगा तो आपार धन्यवाद यू और आप सब देखते रहिए न्यूज क्लिक आप बटन दबाइए सब्सक्राइब कीजिए इस विषय के ऊपर भविष्य में आपके लिए और भी हम प्रोग्राम बना के ले आएंगे धन्यवाद नमस्कार